सो हे गाइस, ये अटैकर ईस्पोर्ट्स का स्क्रिम से बाकी आपको ये वीडियो में टीम एक्स पार्क वर्सेस ओल्ड गॉडल वर्सेस न्यू गॉडल की फाइट आपको देखने को मिलने वाली है, जहां पे टीम एक्स पार्क ने 14 फिनिशेस निकाला था ये मैच में और टीम एक्स पार्क ने क्या ही खेला था और ड्रॉप फाइट भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। बाकी चैनल पे जो भी नया है सब्सक्राइब कर देना, आपको वीडियो मिलता रहेगा एंड न्यूज़ भी मिलता रहेगा आपको साथ में मैचेस के साथ, तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। नियॉन कैच भी बहुत कम और ये देखिए एस पावर डीबीएस हाथों में। एस पावर को पता है कि किस प्रकार आगे पुश करना है। इस बीच में सारंग ने वैसे क्लच गॉड को भी नॉक कर दिया, यानी कि टीम गॉड लाइक की वापस से फाइट हो रही है। अभी जॉर्ज पुल साउथ सिटी में जहां पे शैडो होंगे, वैसे अभी तो क्लच गॉड नॉक किए गए थे, लेकिन टीम गॉड लाइक की अगर हम प्रॉपर यहाँ पे बात करें, टीम एक्स पार्क की बात करें, तो सारंग ने पहला फिनिश पॉइंट कंफर्म कर लिया है। जॉनाथन को नॉक किया जाएगा, वो शैडो वहां पे जॉनाथन को फिनिश भी कर चुके हैं। ओह माय गॉड, नो, गॉड लाइक की टीम के लिए काफी एक खराब संकेत, और संकेत है शायद अब संभलने का भी, क्योंकि जी गॉड और जेली ये बचे दो प्लेयर्स, मात्र दो प्लेयर्स हैं। और आप देखिए जेली अभी भी अपने साथियों से कितने दूर थे, वो वेयरहाउस के आसपास से रोटेट कर रहे थे, अभी इस पूरे रिज के ऊपर आके रुकती हैं। दोनों ही टीमों के लिए जी गॉड इस बीच में पलटवार करते हैं, फियर्स को करते हैं नॉक, लेकिन क्या एक नॉक इनफ होगा आपके लिए? शायद नहीं। फियर्स को रिवाइवल चाहिए, शैडो जो है उनके काफी नजदीक है। जी गॉड अभी भी अपने आप को बूस्टेड रखना चाहते हैं, लेकिन टीम एक्स पार्क, उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि टीम एक्स पार्क जो है एक लौती टीम है इस पूरे इलाके में, जिनके पास नंबर्स का फायदा है, तो इस वजह से वो आगे जा भी रहे। गमला बॉय के पास आप देखेंगे M4 है और सामने पीक करना चाहते थे। इस बीच में ब्लाइंड की एक और फाइट हो रही है, जहां पे एस पावर ने वैसे निंजा जॉर्ड को फिनिश ऑफ भी कर दिया, यानी कि टीम ब्लाइंड की जो एक अलग फाइट चल रही है। गॉड क्या अपने नाम के अनुकूल खेलते हुए दिखेंगे। बैकअप आपको मिल तो रहा है, लेकिन बैकअप इतना भी स्ट्रांग नहीं था कि बैकअप से कोई भी एक खिलाड़ी नॉक हो जाए। जी गॉड नॉक किए जाएंगे, कोई मौका नहीं, फंस गए वहां पे जाल में जी गॉड, जो कि बुना गया था टीम एक्स पार्क के द्वारा। और जेली एक लौते प्लेयर, एक आखिरी खिलाड़ी, एक 1v4 का सिचुएशन, पहला नॉक खूबसूरती से, लेकिन क्या दूसरे को भी डाउन कर पाएंगे? गमला बॉय नेचर के सामने, गमला बॉय एचपी ड्रॉप होती है, लेकिन फिर गमला बॉय, उनको पता था कि सामने एक ही प्लेयर है, आराम से फिनिश ऑफ किए जाएंगे। गॉड लाइक eliminated from this match at 16th position. Team X-Pac अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर फतेह हासिल करते हुए एक लौती टीम, जो कि आपको पूरे जॉर्ज पुल साउथ सिटी में देखने को मिल जाएगी। बाकी सारी टीमें इस मैच के बाहर। टीव और मैक्सकश की बात करें, शुगर हिल का एक अच्छा कंट्रोल है उनके पास, शुगर हिल पे आप देखिए ये टीम बनी हुई है, लेकिन टीम ब्लाइंड, नकुल को वापस से नॉक किया जा चुका है। ओ माय गॉड, नो, कैजुअलिटीज आती रहेंगी, लेकिन टीम ब्लाइंड का जो एक बेखौफ अंदाज है वो नहीं रुकेगा। कमला बल को नॉक किया, रनिंग व्हीकल, ओ नो, एस पावर स्विच करने के चक्कर में नॉक हो जाते हैं। रॉनी हैज बीन लेफ्ट ऑल बाय हिमसेल्फ। टीम एक्स पार्क एक चुनौती की तरह टीम ब्लाइंड के सामने दस्तक देते हुए, लेकिन गमला बॉय को सबसे पहले स्पेक्टेटर्स की तरफ सैर कराते हुए रॉनी फिनिश को वहां पे कंफर्म तो किया है और 14 फिनिश पॉइंट्स, लेकिन टीम एक्स पार्क इस बार कोई भी चूक नहीं करते हुए ब्लाइंड के डोमिनेशन के ऊपर अंकुश लगाया। इन्होंने 9 अंक है, लेकिन व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, ग्लिच की जो टीम है वो भी काफी करीब आ चुके। गोटेम्बो के द्वारा एक अच्छा नॉक, रोमन ओजी को डाउन किया, स्प्रे गॉड अपने आप को हील अप करना चाहते थे, लेकिन चाहत वहां पे पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो किए जाएंगे नॉक। और अब ग्लिच की जो टीम है वो अपने आप को पाती है मुश्किलों के मझधार में, क्योंकि लगभग आप देखिए 1, 2 और 3 प्लेयर के रूप में एक कैजुअलिटी, और ग्लिच की टीम से एक लौते प्लेयर जो कि क्रिस ओपी हमें देखने को मिल जाएंगे, वो तो अपने साथियों से कोसों दूर है और अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर अभी काफी हावी हो चुकी है और लगभग 9 अंक हैं इस टीम के खाते में। 10 टीमें, लगभग 27 प्लेयर्स, और रोमन ओजी को भी किया जाएगा फिनिश ऑफ। गोटेम्बो एक ऐसी टीम जो कि फिलहाल तो काफी बेहतरीन दिख रही है, और टीम एक्सपाक के जो प्लेयर्स हैं वो भी देखिए ब्लाइंड अभी पुश करना चाहते हैं। एक ग्रेनेड वहां पे फेंका गया था सबसे पहले, प्लेयर 4 को नॉक भी किया जाएगा गोटेम्बो के द्वारा, वो नॉक अभी निकाला जा चुका है। एंड गोटेम्बो लुक एट दिस टीम एक्सपाक जिस प्रकार से हाई वोल्टेज के ऊपर हावी होती चली जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि हाई वोल्टेज की जो टीम है वो भी अब कुछ पलों के मेहमान, क्योंकि प्लेयर 3 एक लौते प्लेयर है जो कि अपनी टीम से जीवित है। एक वॉल्यू वहां पे फेंका गया, लेकिन क्या सारंग आगे बढ़ के वो ग्रेनेड फेंक के अभी वहां पे हाई वोल्टेज की टीम के ऊपर क्या वो अंकुश लगा पाएंगे? जी हाँ, एक नेड फेंकते हैं वहां पे सारंग और 2 अंक इनके खाते में। टीम एक्स पार्क जिस प्रकार से खेल रही है, 14 फिनिश पॉइंट, एक और अच्छा नॉक, एक और बेहतरीन नॉक सारंग को, 10 के 10 अंक मिलने चाहिए इस खूबसूरत नॉक के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम तुषार भी वहां पे पलटवार करते हैं जवाबी कार्रवाई के रूप में, टीम एक्स पार्क के 2 प्लेयर्स को निस्तनाबूद करते हुए। सारंग एक लौते प्लेयर अपने आप को पाते हैं कठिनाइयों के कटघरे में, लेकिन सारंग आपके लिए एक सवाल है,
कि क्या आप यहाँ से सर्वाइवल की तरफ